मीडिया भी हल्ला कर रहे हैं, उधर आप देखिएगा कि आरएसएस भी हल्ला कर रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी कर रहे थे, कह रहे हैं कि ये सारे देश विरोधी गतिविधि हैं। तो एक बड़ा कारण तो यह है कि पत्थलगाड़ी जो हो रही है वो हिंदू राष्ट्र के रास्ते एक बड़ा जो है कि वो ऑब्स्टेकल है। इसलिए ऑब्स्टेकल है कि जो इलाके में पत्थलगाड़ी हो रहा है उस इलाके में आप देखिएगा पिछला साल दशहरा के समय में वहाँ के मुंडाओं ने, एक कांकी गाँव है उनके मुंडा ने तो यहाँ तक जारी कर दिया, कहा कि ये महिषासुर जो है हमारा पूर्वज है उसको जो है कि आप नहीं जला सकते हैं, और जो भी जलाएगा उनके ऊपर जो हम केस करेंगे। एक मामला तो ये है। दूसरा ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पत्थलगाड़ी कर रहे हैं वहाँ पे आरएसएस के प्रचारक नहीं घुस सकते हैं। तो जब आरएसएस के प्रचारक नहीं घुसेंगे तो फिर उनकी जो उनका हिंदू राष्ट्र का सपना है कैसे पूरा होगा। इसके साथ साथ आप देखिएगा गुमला में, मैंने देखा गुमला में सरना आदिवासी लोग, युवा लोग ये भी कहना शुरू कर दिया है कि सरना आदिवासियों को हिंदू सनातन कहना बंद करो। और कल परसों यहाँ भी आवाज़ उठा रांची में भी कि हम आदिवासी जो है कि हिंदू नहीं, हम सनातन नहीं हैं, हम जो है कि हमको वनवासी और जो है कि वन बंधु ये सब कहना बंद करो। तो जब ये सारा की आवाज़ आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा ऑब्स्टेकल है हिंदू राष्ट्र के सपने को पूरा करने के रास्ते पे। इसलिए आरएसएस हल्ला कर रहा है और कह रहा है कि नहीं, ये जो है कि असंवैधानिक है। इसके अलावा आप देखिएगा एक बड़ा तबका जो मीडिया में भी है और ठेकेदारी भी करता है, तो इन लोगों को दिक्कत इसलिए है कि जितना ठेका के नाम पर ये लूट हो रही है। अब देखिए सड़कें बनती है, दूसरा साल टूट जाती है, क्यों ऐसा है भाई? जब करोड़ों करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, झारखंड में 15,000 करोड़ रुपये का खनिज संपदा निकाला जा रहा है हर साल, लेकिन राजधानी जैसे रांची जैसे राजधानी में एक अच्छा सड़क आप बता दीजिए, फिर विकास के नाम से लोग क्यों चिल्लाते हैं? इसीलिए कि ये संसाधन लूट तो है, विकास के नाम पे जितना खजाना का पैसा आ रहा है वो भी लूटते हैं। तो अगर मान लीजिए पत्थलगाड़ी होगा, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम सरकार को नहीं मानते, सारे विकास परियोजना को हम चलने नहीं देंगे, तो जो ठेकेदार लूटना है ठेकेदारी में वो तो बंद हो जाएगा ना। तो एक बड़ा कारण ये भी है। और उसके साथ साथ चूंकि आप भी कह रहे हैं सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हम बॉयकॉट करेंगे, चूंकि आपने डेवलपमेंट के नाम से सिर्फ लूटा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उनका सो कॉल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर भी गिरेगा ना। तो ये सबका भी इनको डर है, अगर डेवलपमेंट इंडिकेटर गिरेगा तो सीएम पर, नौकरशाही पर, सब पर सवाल उठेगा ना। तो डुंगडुंग जी एक आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया भी इस खेल में एक पक्ष है और वो भी उसके अपने स्वार्थ हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि वो कौन से ऐसे मीडिया घराने जिनके खिलाफ आपको प्रमाण मिले और क्या वो कर रहे हैं। इसमें एक बड़ा तो हमने देखा जो ये इसको लेकर पत्थलगाड़ी को लेकर जो इन लोगों ने हंगामा किया वो है आजाद सिपाही। आजाद सिपाही ने एक बड़ा आरोप लगाया, सनसनीखेज खुलासा बोल के ये कहा कि 5 करोड़ रुपया पत्थलगाड़ी में खर्च हुआ है। तो ये 5 करोड़ रुपया कहाँ से आए हैं, है ना? और उन्होंने ऐसा दिखाया कि एक एक पत्थलगाड़ी में जो कि 20-20 लाख रुपये, 21 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं, ऐसा करके उन्होंने कुछ 80 पत्थलगाड़ी का हिसाब किताब करके उन्होंने 5 करोड़ बताया। मैंने बहुत उसको कैलकुलेट करके वहाँ उस किताब में आपको मिलेगा कि उसको मैंने काउंटर किया है। देखिए जब इसको मैं ग्राउंड में देखा तो मुझे बहुत हंसी आई दो चीज़ पर। एक तो ये दिखाया कि खूंटी में सिर्फ 150 रुपया पर डे कमाने वालों के पास जो है कि 38,000 बाइक कहाँ से आ गया। तो मुझे ये हंसी आई कि खूंटी में सिर्फ 150 रुपये कमाने वाले लोग सारे लोग हैं, और इतना बड़ा बड़ा वहाँ पर व्यापारी दिक्कू लोग बैठा हुआ है, वो किस में काउंट किया जाएगा? वो तो ठीक है, वैसे दिखा रहे हैं ना जिस तरह से पर कैपिटा इनकम दिखाया जाता है। गांव में देखिए एक गरीब आदमी जो पर डे मुश्किल से जो है कि 100 रुपया कमाता है, और मुकेश अंबानी जो एक दिन में जो है कि जिसका करोड़ों रुपया का सैलरी है, उसको दोनों का इनकम मिला के पर कैपिटा इनकम दिखाते हैं। तो इसी तरह के इन लोगों ने इसमें बयामाने करने की कोशिश की। एक तो यह बात है, दूसरा जो खासकर उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपया कौन खर्च कर रहा है, मैं खुद जो है उस इलाके का 13 गांव का पत्थलगाड़ी का उद्घाटन मैंने किया, 13 गांव में उस दिन हुआ, पूरा 13 गांव में शामिल हुआ मैं। और उसी टाइम में आप देखिएगा मैं क्या हुआ अंत में, ये लोग इसलिए कह रहा हूँ ये सब चीज़ों को, ये लोग कह रहे थे कि पत्थलगाड़ी होता है बाहर से 2,000 लोग आते हैं, सब लोगों को खस्सी भात खिलाया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। 13 गांव में एक दिन में पत्थलगाड़ी हुआ, शाम को जो है लोग थोड़ा भात खिलाए और दाल, झोर टाइप का दाल और जो है कि आलू का सब्जी खिलाए,
तो ये लोग बिना मतलब का झूठ का पुड़िया बना के सनसनी जो है कि पैदा कर दिया। और इसी में तो शुरू में दैनिक भास्कर जो है कि स्टोरी ब्रेक किया था ये कहते हुए कि एक एक गांव में जो है कि आप जाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, किसी को गांव में जाने की इजाज़त नहीं है और जो है कि प्रवेश निषेध है, सारे जगह बैरिकेटिंग कर दिया गया है। लेकिन उसको दूसरा ही ग्रुप प्रभात खबर ने उसको काउंटर किया दूसरे दिन जाके, मुझे काउंटर करने की जरूरत नहीं। प्रभात खबर ने अगले दिन स्टोरी ब्रेक किया ये कहते हुए जिसको आप बैरिकेड कर रहे हैं वो तो माचा है लोग बैठ लोगों के बैठने के लिए। तो आपस में ये हमको लगता है कि देखिए कई कारण हो सकते हैं मीडिया जो इस तरह का आदिवासियों को हमेशा नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करता है। एक बड़ा कारण तो है कि वो हम लोग निश्चित रूप से देखते हैं ब्राह्मणवादी सोच, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट, झारखंडी मीडिया जरूर आप कहेंगे लेकिन झारखंडी मीडिया क्या कह सकते हैं हम यहाँ झारखंड के मीडिया घरानों को? नहीं कह सकते हैं। झारखंड में जितने टॉप पोजीशन पे डिसीजन मेकर्स कौन है? झारखंड के हार्डली एक भी नहीं है, सारे बाहर के लोग बैठे हुए हैं। और खासकर आदिवासी बोलेंगे तो एक भी न्यूज एडिटर तक आदिवासी क्यों नहीं है भाई? क्या आदिवासियों के पास कैपेसिटी नहीं है? लिख नहीं सकते हैं वो, हिंदी नहीं जानते हैं? जब आदिवासी लोग इतने बड़े बड़े कवि निकल रहे हैं, लेखक निकल रहे हैं, इतना किताबें उन्होंने लिखा है, इतना फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है, तो कोई एक एडिटर क्यों नहीं बन पाता है? इसका मतलब है कि ये जो सो कॉल्ड अपर कास्ट ने जानबूझ के ऐसे बना के रखा है ताकि वहां पे उस नेट में आदिवासियों को घुसने के लिए कोई जगह नहीं दे रहे। तो ऑब्वियसली जब अपर कास्ट डोमिनेशन होगा उनका दृष्टिकोण यही है कि आदिवासी का मतलब ये अनपढ़, गंवार, जाहिल, पिछड़ा, ये उनका नजर वही है, तो आदिवासियों को क्यों बैठेंगे डिसीजन मेकिंग में? तो एक बड़ा कारण। दूसरा कारण यह मैं समझता हूं कि जो मीडिया घराना है उसका भी कहीं ना कहीं रिसोर्स से लिंक है। आप खुद उठा के देख लीजिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, सब लोग जानते हैं पब्लिक डोमेन में है कि कौन कौन सा मीडिया घराना का अपना माइनिंग है। सरन्ना जंगल में आप चले जाइए या फिर जो है कि छत्तीसगढ़ में आप चले जाइए तो पता चल जाएगा। तो जब उनका खुद का जो है कि उसमें माइनिंग में हिस्सेदारी होना है तो पथलगाड़ी होगा तो माइनिंग उनको कहाँ से मिलेगा? आयरन और कहाँ से मिलेगा? कोयला और जो है कि ये यूरेनियम और जो है बॉक्साइट कहाँ से मिलेगा? तो इनकी अपनी अपना इंटरेस्ट है, तो ये इसलिए आदिवासियों को नकारात्मक तरीके से पेश करते हैं। जमीन में उनका खुद इंटरेस्ट है, जमीन जो है कि कानून क्या कहता है, CNT और SPT कानून, आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। जब नहीं ले सकता है तो राजधानी जो है मुंडाओं का धरती है, यहाँ का लगभग 90% गांव जो था मुंडाओं के नाम पे था, तो यहाँ इतना बड़ा बड़ा जो है कि गैर आदिवासियों का अपार्टमेंट कैसे बन गया है? तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट उसी में है। उसके साथ साथ तो मैंने कहा, उसको फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि कई मीडिया घराने जो पत्रकार जो है उसको आप देखिएगा, वो एक तो खास विचारधारा, खासकर RSS विचारधारा को लेकर वो चलते हैं, उसके साथ साथ वो खुद भी जो है कहीं ना कहीं ठेकेदारी में शामिल हैं, तो उनका अपना इंटरेस्ट है। तो जहां उनका अपना इंटरेस्ट होगा वहां तो वो अपने तरीके से करेंगे। और ये मान लेना पड़ेगा ये कोई आदिवासियों को बचाने या उनका अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए तो ये झारखंड नहीं आया है ना, तो ऑब्वियसली है। अगर आप किसी को लूटना है तो आप उसको विलेन बनाएंगे तभी तो लूट पाएंगे, विलेन बनाएंगे तो उनको जेल में डाला जाएगा, आपके लिए जो मैदान खाली हो जाएगा, आप लूट लीजिए उनका जंगल, जमीन, इलाका, पानी, संसाधन जितना भी है।